साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड, दुबई वीआई से रिलेटेड बात करेंगे। आप बहुत सारी जनता वीआई में रहती है, जी हाँ, और वीआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गल्फ कंट्रीज में, बता दूं एक बहरीन को छोड़ के, कि वहां पे आप व्हाट्सएप कॉलिंग या फिर ऐसे वॉइस कॉल, वीडियो कॉल वगैरह, या फिर ये जो जो साइटें होती हैं जिनको वीआई सरकार ब्लॉक करके रखती है, जिसमें पोर्न, जी हाँ साथियों, अगर नॉर्मल फिल्म की जो गंदी फिल्में आप देखते हैं अपने इंडिया में, इनकी छूट है, पाकिस्तान में भी इन पे बैन नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में बैन नहीं है, यूरोपीय कंट्रियों में भी बैन नहीं है, लेकिन गल्फ कंट्रीज में इन सिस्टम पे बैन है, जी हाँ। और वीपीएन एक ऐसा साधन है कि वीपीएन का मतलब ये होता है कि आप वीपीएन के माध्यम से कोई भी साइट पे आप पहुंच सकते हैं जिस साइट को सरकार ने बैन करके रखा है, जी हाँ साथियों, उसमें हैकिंग का काम हो सकता है, जिन साइटों को भी सरकार ब्लॉक करती है उनके ऊपर भी आप पहुंच सकते हैं, जी हाँ। फॉरेन फिल्में भी आप वीपीएन के माध्यम से देख सकते हैं, या अपना आईडी पासवर्ड छुपा के किसी संदिग्ध गतिविधि आप वीपीएन के माध्यम से कर सकते हैं, जी हाँ। हालांकि वीआई सरकार ने साफ बोला है कि भाई वीपीएन वही में अवैध नहीं है, आप गवर्नमेंट जो दिशा निर्देश आपको दिए हैं, नियम और रेगुलेशन बने उसके हिसाब से वीपीएन चलाते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी वीआई ने कुछ स्ट्रिक आदेश दिए हैं, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज दुबई वीआई से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप वीआई में वीपीएन चलाते हैं तो सावधान होने की जरूरत है, वीआई ने कुछ स्ट्रिक आपको आदेश दिए हैं वीआई सरकार की तरफ से। हालांकि बता दूं वीआई में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था वीपीएन के ऊपर, लगभग 4 मिलियन के करीब लोग वीपीएन चलाते हैं, जी हाँ साथियों, अब 4 मिलियन का मतलब आप समझ सकते हैं 40 लाख से ऊपर, जी हाँ, वो लोग वीपीएन, सबके मोबाइल में वीपीएन डाउनलोड मिल जाएगा। व्हाट्सएप कॉलिंग सबसे बड़ा जरिया है वीपीएन के माध्यम से, आप बात करते हो चाहे वॉइस कॉल करो चाहे आप वीडियो कॉल करो, हालांकि इसमें यहाँ तक ठीक है, ये चीजें आप लीगल आप कर सकते हैं वीआई के आदेशों के अनुसार, लेकिन मैं बता दूं कुछ जैसे फॉरन फिल्में देखना या फिर जो सरकार ने साइटें बैन कर दी हैं, ब्लॉक कर दी हैं, उनके माध्यम उन तक आप पहुंचना, या फिर हैकिंग का काम करना, सरकार के विरुद्ध कुछ गलत एक्टिविटी करना, इन चीजों के सरकार ने साफ साफ स्ट्रिक्ट आदेश दिए हैं कि भाई ये अगर आप करते हुए पाए जाते हैं सरकार की नजरों में आ जाते हैं, सरकार की नजरों में अगर ये गलत दिशा निर्देशों के विपरीत अगर आप वीपीएन का उपयोग करते हुए पाए गए तो बता दूं मैं 5 लाख दुबई दराम से लेकर 2 मिलियन दुबई दराम तक का जुर्माना लग सकता है। भाई 5 लाख दुबई दराम से 2 मिलियन दुबई दराम आप सोच सकते हैं कितने होते हैं, अगर कोई गलती से गलती न करें भाई, वरना पूरी जिंदगी आपको वीआई में रहना पड़ सकता है, इस जुर्माने को चुकाने के चक्कर में जेल में रहना पड़ेगा। बाकी वीपीएन आप नॉर्मल चला सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग में नॉर्मली 99% लोग इसी में यूज लेते हैं, तो आप बेधड़के से चलाएं, गवर्नमेंट इसकी इजाजत देके रखी है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी मैंने ये कुछ अलग से एक्टिविटी बताई है, वे बिल्कुल भी ना करें, अगर करते हैं तो बिल्कुल स्टॉप कर दें, जिस दिन आप पकड़ में आए उस दिन आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। बस छोटी सी जानकारी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।